जंगल सिकरी गांव अब नगर निगम में शामिल हो गया है। यह खाता संख्या 382 में 1.81 एकड़ जमीन पर सुनील केसरवानी का कब्जा था। इस जमीन पर वह पिछले 18 साल से पेट्रोल पंप संचालित कर रहे थे। पेट्रोल पंप ग्राम सभा की जमीन पर संचालित हो रहा है। इस दावे के साथ तत्कालीन जंगल सिकरी के ग्राम प्रधान राम मूरत पासवान ने अपने कार्यकाल एवं प्रधान न रहने के बाद भी कुल 18 वर्ष तक केसरवानी से ग्राम सभा की जमीन होने के नाते मुकदमा की पैरवी करते रहे। 4 अप्रैल 2013 में चकबंदी न्यायालय ने ग्राम सभा के पक्ष में निर्णय किया। विपक्षी सुनील केसरवानी उस फैसले के खिलाफ DDC के न्यायालय में अपील किए। बीते वर्ष नवंबर महीने में DDC ने ग्राम सभा के पक्ष में निर्णय दिया। ये जमीन अब नगर निगम में शामिल हो गई है। ऐसे में शुक्रवार को नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ जमीन को खाली कराने पहुंची। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलवाकर बाउंड्री वॉल तथा टीन सेट को ध्वस्त करा दिया। पेट्रोल पंप के मालिक को 1 सप्ताह का समय दिया है कि वे अपना पेट्रोल पंप एवं कार्यालय हटा ले। ग्राम सभा के कागजात में ग्राम सभा को जिस जमीन पर अवैध तरीके से पेट्रोल पंप संचालित हो रहा था वह पशुओं के चरने का स्थान था। करीब 2.25 एकड़ जमीन पर सुनील केसरवानी ने पेट्रोल पंप लगवाकर कब्जा कर चारों तरफ बाउंड्री वॉल एवं टीन सेट लगवा दिया था। वही खाली जमीन में बसे खड़ा करता था। वर्तमान पार्षद जयंती देवी के पति राम मूरत पासवान ने बताया कि 18 वर्षों से ग्राम सभा की जमीन का मुकदमा करके पैरवी कर रहा था। 22 नवंबर 2023 को DDC न्यायालय से ग्राम सभा के पक्ष में निर्णय हो गया।